आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच में यूज किए जाते हैं। एक एग्जांपल जैसे प्लस, यदि हम लोग प्लस किसी भी दो नंबर के बीच में रखते हैं तो उसका ऑपरेशन दो नंबर को ऐड करना होता है। तो इसी सारे ऑपरेशंस को, इसी सारे साइंस एंड सिंबल्स को ऑपरेटर्स कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन कहा जाता है। पाइथन में बेसिकली 7 टाइप्स के ऑपरेशन फॉलो किए जाते हैं, जैसे अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है। अब यहाँ इन सारे 7ों को हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स को फॉलो करने के लिए। यहाँ पर आप इन सारे बेसिक एड, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसका नाम है मॉड्यूलस एक्सपोनेंट फ्लोर डिवीजन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 3 ऑपरेटर हैं। लेट्स से डिवाइड करना है और इस तरीका से डिवाइड करना है कि सिर्फ रिजल्ट में रिमाइंडर ही मिले। बेसिकली इसे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए आप सभी को मालूम है, यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो पाइथन से जुड़ा देखें तो आपको मालूम होगा ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये सारे बेसिक रूल्स आपको मालूम होंगे। अब मैं इसे रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर शो करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को शो करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बस एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उस ऑपरेटर का नाम है एस्टेरिक। तो देख सकते हैं ये 5 को पावर 2 बना देता है और रिजल्ट में हम लोगों को 25 यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। एक होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में बेसिकली एक ऐसा रहता है जो राउंड नंबर में आपको रिजल्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डिवाइड देने के लिए बेसिकली डबल स्लैश का यूज मैं करूंगा, तो यहाँ डबल स्लैश का यूज करके बेसिकली यहाँ पर आपको राउंड ऑफ में नंबर मिलेगा। जैसे 15 को यदि 2 से डिवाइड दिया जाए तो बेसिकली आपको यहाँ पर 7 आंसर मिलेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन में बेसिकली यही कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद अगला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली बहुत तरह के होते हैं। जैसे किसी भी चीजों के बीच में रिलेशन की कोई नंबर किसके इक्वल है तो पहला इक्वल को यूज किया जाता है। यदि आपको किसी नंबर में एड करना है उसी वेरिएबल में तो आप x+3 यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं a में एक प्लस इक्वल टू का रिलेशन प्रोवाइड करके मैं यहाँ पर 5 से अगेन रिलेशन शो कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस डेटा को, इस वेरिएबल a को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस इक्वल टू है इसमें कहा जा रहा है a में बेसिकली एक बार और 5 ऐड करना है। इस ऑपरेशन का मतलब यही होता है। इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा ना लिखा जाए, इसलिए बेसिकली ये इस प्लस वाले सिंबल को और इस a को भी हटा करके बस यहाँ पर प्लस लिख देने भर से ही ये समझ जाता है कि a में ही 5 ऐड करना है। या जैसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 5 में से यदि मुझे 5 ही माइनस करना है तो मैं बेसिकली यहाँ पर माइनस यूज करूंगा और मैं इसे परफॉर्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर 0 हो गया। इसी तरीका से आप इनटू में, डिवाइड में, फिर जा करके मॉड्यूलस में, आप सब में यही कर सकते हैं। a इज इक्वल टू a मॉड्यूलस 5। यहाँ मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं, तो यहां मैं जब इसको मतलब डिवाइड दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसका रिमाइंडर ऑब्टेन करवाएगा, यानी 3। तो इस चीज को इतना मुश्किल बनाने से बढ़िया आप यहां पर सिंपली मॉड्यूलस लगा सकते हैं डायरेक्टली। यदि आप डायरेक्टली यहां मॉड्यूलस लगाएंगे तो ये वही काम एक ही या दो ही लाइन में कर सकता है। इसी तरीका से आप फ्लोर डिवीजन के साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट ही क्रिएट कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट के बारे में बताया था कि आप ऐसा एक्सपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सीधा एक्सपोनेंट क्रिएट कर रहा है इस 28 का।
एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको कहा जाता है एंड ऑन ऑपरेंड्स। बेसिकली एंड ऑन ऑपरेंड्स एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, जो बिट वाइज परफॉर्म करता है और जो वैल्यू रहता है उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करवा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 13 लेता हूं, तो यदि प्रिंट करवाता हूं तो ये बिट वाइज ऑपरेशन करेगा और उसके बाद उस वैल्यू को लेफ्ट से असाइन कर देगा। यदि आपको इस समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे करके दिखाता हूं। मैं प्रिंट करता हूं ए को, तो जैसे मैं अब ये करता हूं तो ये आंसर दे रहा है 5। तो इसका मतलब ये है कि ये बिट वाइज ऑपरेशन करता है और उसके बाद जो आंसर रहता है वो इससे असाइन करवा देता है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा ये बिट वाइज परफॉर्मेंस क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है आपको समझना होगा। एक होता है और ऑन ऑपरेंड्स ऑपरेशन। और ऑन ऑपरेंड ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली यहां पर जैसे मैं बस यहीं पर एक साइन लगा देता हूं जिसको मैं बेसिकली कह सकता हूं एक तरीका का मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो प्रोवाइड करता है, इसको यहां पर इस कलेक्टिवली इन दोनों ऑपरेटर्स को कहा जाता है और ऑन ऑपरेंड्स। ये क्या करता है, ये वैल्यू को बिटवाइज ऑपरेशन करवा करके उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करवा देता है। जैसे मैं इसी का यदि आउटपुट लूं तो ये कैसा आउटपुट होगा, ये 15 आउटपुट होगा। ये 15 आउटपुट बिटवाइज ऑपरेशन के कारण आता है। मैं आपको बताऊंगा ये बिटवाइज ऑपरेशन होता क्या है। एक होता है बेसिकली इस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं जॉर ऑन ऑपरेंड। बेसिकली जॉर ऑन ऑपरेंड क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा इसी वैल्यू में मैं यदि इस पावर के साइन को, आपको मालूम है इसे बेसिकली हम लोग पावर का साइन कहते हैं, यदि मैं इसी से असाइन करवा दूँ तो ये इसका आंसर होगा 10। तो ये बिटवाइज ऑपरेशन करके ये क्या करता है, ये वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करवा देता है। मैं यहाँ पर एंड नॉर और जॉर ये सभी चीजों के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बेसिकली ये ऑपरेटर्स के एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स को बस इंट्रोड्यूस ही करवाऊंगा। एक होता है राइट शिफ्ट ऑन ऑपरेंड्स। ये राइट शिफ्ट ऑन ऑपरेंड्स क्या रहता है, ये भी बिटवाइज ऑपरेशन करता है और वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करता है। जैसे मैं ये इसी वैल्यू में यदि यहाँ पर शिफ्ट ऑन ऑपरेंड यदि मैं यूज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसे शिफ्ट एंड ऑपरेंड यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू इसका दे दे रहा है 0। अब इसी को आप शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसे शिफ्ट लेफ्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली एक ऐसा वैल्यू होता है जो क्या करता है, बेसिकली जितने भी वैल्यू रहता है ये इसको बिट वाइज परफॉर्म करके लेफ्ट एंड राइट से असाइन करवाता है। तो ये हुई कहानी पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। यदि आपको कुछ कुछ समझ में आया ये आखिर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। बेसिकली ऑपरेटर्स का है, मैं यहाँ पर एक बिटवाइज परफॉर्मेंस से जुड़ा एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली ये 6 टाइप्स के होते हैं, जो बेसिकली दो डेटास को, दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है, जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बेसिकली आप यहाँ इक्वल ये सब के बारे में जानते ही होंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट किया ए इक्वल टू 113 एंड बी इक्वल टू मैं क्रिएट करता हूँ लेट्स से 45। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवाऊंगा ए इक्वल इक्वल वाई। तो ये बेसिकली कैसे प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, ये कैसे प्रिंट करेगा, ट्रू है या फॉल्स है ये बेसिकली बताएगा। तो देख सकते हैं ये फॉल्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये इक्वल नहीं है। यदि मैं यहाँ पर नॉट इक्वल का यूज करूं, जैसे मैं यहाँ पर नॉट इक्वल कैसे यूज होता है, बस यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना पड़ता है और फिर मैं इसे यदि करू रन तो ये बता रहा है ट्रू कि वाकई में ये दोनों इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन लेस देन में भी सेम यही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी सेम यही होता है। मैं इन सारी चीजों को नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली इजी है।
अब मैं बता दूं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर, सबसे पहले एंड ऑपरेटर आता है, ये क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यदि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं तो ये वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यदि कोई भी ट्रू ये वैल्यू ट्रू करता है, और के लिए नॉट रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, ये क्या करता है वैल्यू को रिटर्न कर देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर गया एंड, सबसे पहले मैं यदि एंड ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ, जैसे एक है ए इज इक्वल टू 113, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि ये जो ए है वो 50 से बड़ा है और ए 120 से छोटा है, तो ये दोनों चीजें ट्रू है, यदि ये दोनों चीजें ट्रू हैं तो ये बेसिकली हम लोगों को ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यदि मैं किसी एक चीजों को फॉल्स करवा देता हूं तो ये कैसा वैल्यू देता है, आइए देखते हैं, तो भी ये ट्रू ही दे रहा है। यदि मैं दोनों को फॉल्स करवा देता हूं तो ये कैसा वैल्यू देता है, आइए देखते हैं, तो देख सकते हैं दोनों यदि फॉल्स तो फॉल्स, यानी एंड, तो देख सकते हैं एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यदि दोनों ट्रू तो ट्रू, ये इस बेसिस पे काम करता है। अगला ऑपरेटर के बारे में आपको बता दूं, ये लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली फॉल्स बता रहा है, यहाँ मैं और यूज करता हूँ, और ऑपरेटर मैंने यूज किया ही नहीं था, और तो देख सकते हैं ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसा वैल्यू प्रोवाइड करता है कि ये ट्रू इसलिए रिटर्न करने कर रहा है क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू है, यदि कोई भी कंडीशन ट्रू रहता है तो ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी एक ट्रू तो ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करता है। वैसे ही नॉट जो रहता है वो वैल्यू को रिवर्स कर देता है, जैसे मैं अभी यहाँ पर इसी वैल्यू में क्या करता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ, 10, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि ए का वैल्यू 5 है, मैं बता रहा हूँ ये जो 5 है, मैं यहाँ पर बता दूं नॉट को थोड़ा यूज करने का एक अलग तरीका रहता है, यहाँ आप एंड ही यूज कीजिए, और बस यहाँ पर आपको एक और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज करना है, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को जो आपने ओपन किया था उसे बंद कर देना, तो ये नॉट ऑपरेटर यूज करने का यूज होता तरीका होता है। तो देख सकते हैं ये कैसा रहता है, जैसे सबसे पहले ए इज इक्वल टू 5 और ए 3 से बड़ा है, तो जाहिर बात है सही है, और ए 10 से छोटा है, ये भी सही है, लेकिन ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है, देख सकते हैं फॉल्स इस वैल्यू को रिटर्न किया गया है। तो बेसिकली ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये सारे ऑपरेटर्स। अगला ऑपरेटर जो आता है हमारा वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो आइडेंटिटी ऑपरेटर मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली दो तरीका के ही होते हैं, पहला इज और दूसरा इज नॉट, ये रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, यदि सारे के सारे वेरिएबल्स सेम ही हो। इज नॉट रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू अभी भी रिटर्न करता है इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, यदि दोनों सेम ना हो तो। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, जैसे एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सी के नाम से, और मैं उसको ए के नाम से असाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा ए इज सी, यानी कि ए सी है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, ट्रू प्रोवाइड करेगा। अब मैं जैसे ए इज सी, यदि मैं प्रोवाइड फंक्शन बेसिकली दे रहा हूँ, यानी कि ए सी है, अब मैं इसे मतलब आउटपुट लेता हूं इसका, तो ये बता रहा है ट्रू, ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जो हमारा बेसिकली सी है वो सेम ऑब्जेक्ट ए की तरह है, तो इसलिए इस वैल्यू इसने ट्रू वैल्यू प्रोवाइड किया है। अब वहीं पर मैं प्रिंट करवाता हूं कि ए इज बी, ए बी है, तो ये वैल्यू पक्का फॉल्स रिटर्न करेगा, तो देख सकते हैं इसने वैल्यू को फॉल्स रिटर्न किया है। अब क्यों, क्योंकि इसने इसलिए फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि जो हमारा ए है
वो सेम ऑब्जेक्ट बी की तरह नहीं है, हालांकि दोनों का सेम कंटेंट है, बावजूद इसका इसने असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण दोनों को इक्वल नहीं माना है। तो ये बेसिकली अपना लॉजिक लगाता है। अब मैं वहीं पर दोनों के बीच में मैं एक ऑपरेटर और यूज करता हूं, यहां पर प्रिंट करता हूं, लेट्स से इसको मैं इक्वल इक्वल कर देता हूं कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को ट्रू, देख सकते हैं ये वैल्यू को ट्रू प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि एज और इक्वल इक्वल के बीच में कितना अंतर है, क्या अंतर है। ये एक कंपैरिजन है जो कि ट्रू रिटर्न करता है। अब मैं यहां पर बताता हूं नॉट कैसे काम करता है, इज नॉट भी आप समझ ही लीजिए। जैसे अब मैं यहां पर सब जगह इज नॉट लगा देता हूं, जैसे मैं यहां पर इज नॉट लगा दिया तो ये इसका ठीक उल्टा काम करेगा इज का। तो ये क्या करेगा, वैल्यू फॉल्स करेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉल्स इसने वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स इसलिए कर रहा है कि जो हमारा बेसिकली सी है वो मतलब ए के तरह नहीं है, वो सेम नहीं है, जबकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको इक्वल बताया गया, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। अब मैं यहाँ पर इज नॉट यहां भी लगाऊं तो ये क्या करेगा, वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, इसलिए क्योंकि जो हमारा वैल्यू है ए वो मतलब हालांकि दोनों का कंटेंट सेम है लेकिन यहाँ पर दोनों को असाइन नहीं किया गया है, इसलिए हमारा सिस्टम दोनों को अलग अलग मानेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों भी ने लिखा है ए इज नॉट बी तो ये ट्रू मानेगा। तो अब मैं इसे करता हूँ, देख सकते हैं ट्रू बता रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं यहाँ पर ए को नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू कर देता हूँ बी से, तो ये क्या करेगा, इज नॉट और नॉट इक्वल के बीच में डिफरेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। और ये जो कंपैरिजन है ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जो ए है वो बी के इक्वल है, वो ए जो है बी के इक्वल है। तो देख सकते हैं जैसे मैं इसको रन करता हूँ ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। दोनों के अंदर में कंटेंट सेम है तो इसका मतलब असाइनमेंट इस ऑपरेटर नॉट इक्वल टू के अनुसार दोनों सेम हुआ, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं नॉट इक्वल तो ये फॉल्स मान रहा है। तो इस तरीका से दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए मैंने बताया जो ऑपरेटर रहता है लॉजिकल ऑपरेटर वो कैसे काम करता है, मैंने बताया आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में समझने के लिए। जैसे अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर समझने के लिए, नीचे देख सकते हैं दो तरीका के इन एंड नॉट इन होते हैं। ये रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यदि एक सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस विद दैट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी यदि स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ प्रेजेंट है तो ट्रू, और यदि रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू नॉट इन यदि यूज होता है तो भी ये ट्रू करता है, यदि वो स्पेसिफाइड वैल्यू उस सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है तो। इसको आप समझिए एग्जांपल के साथ। जैसे मैं यहाँ पर दो नाम जैसा कि मैंने प्रिंट करवाया हुआ हूँ, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ जो मैंने नाम यहाँ पर लिखा है वो प्रेजेंट है कि नहीं, इन, ये एक इन ऑपरेटर है और जो मैंने नाम लिया है मैं पूछ रहा हूँ कि ये है कि नहीं, तो अब मैं इसको रन करूंगी तो जाहिर बात है ट्रू बताएगा, इसलिए क्योंकि ये एक इन ऑपरेटर है। अब यहाँ पर नॉट इन मैं बताऊं, नॉट इन यदि यूज करके, तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट इन यानी कि ये नाम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ऐसा नाम तो है। तो इस तरीका से ये मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया जाता है, ये बताता है कोई कंटेंट उस लिस्ट में उस टपल में है या नहीं, तो इस तरीका से ये काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। मैं बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया इसको प्रैक्टिकली समझना होता है तो ये एंड और जॉर नॉट ये सभी कुछ मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा कि बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बिट वाइज ऑपरेटर के लिए जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। टिल देन आप इन सारे ऑपरेटर्स का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और मैंने कुछ ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर
में भी बताया, जो शायद आपको तीन चार ऑपरेटर समझ में नहीं आया होगा, वो बिट वाइज ऑपरेटर समझ लेने के बाद ही आपको अच्छा से आएगा समझ में। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली शायद मुझे बोर्ड पर समझाना होगा, तो मैं बोर्ड पर समझा करके उस बिट वाइज ऑपरेटर को क्लियर करूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसी तरीके की कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथन से जुड़ा बहुत सारे और भी वीडियोस बनाया है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एंड शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट को ताकि नॉलेज हर जगह जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।